सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और आप HDFC बैंक की एप्लीकेशन को यूज़ करते हो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या फिर किसी ऑनलाइन वर्क करने के लिए, तो दोस्तों कैसे आप उसमें अपना एम पिन बना सकते हो 4 डिजिट का। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसमें हमें अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, और दोस्तों जितनी बार हम उसे ओपन करते हैं उतनी बार वहाँ पर पासवर्ड मांगता है। तो दोस्तों कैसे हम अपना पासवर्ड डालने से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पासवर्ड होता है वो हमारे कई अल्फाबेट से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों पासवर्ड डालते टाइम कई मिस्टेक हो जाती हैं, जिससे हमारा पासवर्ड दोस्तों ब्लॉक भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसे हम उसमें अपना एम पिन बना सकते हैं, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को काफ़ी ईजी तरीके से ओपन कर सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एम पिन होता क्या है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपने देखा होगा कि सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है 4 डिजिट का एम पिन बनाने का। दोस्तों एम पिन होता है कि आप उसमें अपना 4 डिजिट का कोई भी एक पासवर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों उससे क्या होगा, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, आपको सिर्फ वही पिन डालनी पड़ेंगे जो आपने वहाँ पर अपनी एम पिन बनाई है। यानी कि कोई भी आप 4 नंबर का एक पासवर्ड बना लोगे तो दोस्तों आपको वही पासवर्ड डालना पड़ेगा, और दोस्तों आपका वो एप्लीकेशन उसी पासवर्ड से ओपन हो जाएगा, आपको वहाँ पर अपना पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों कैसे आप उस एम पिन को बना सकते हो जिससे आपको अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़े अपनी एप्लीकेशन में, तो दोस्तों मैं आपको एकदम लाइव तरीका दिखाऊंगा, एकदम लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन में HDFC बैंक की एप्लीकेशन में अपना एम पिन बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेशन दे जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एम पिन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी HDFC बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मांग रहा है पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर मेरी ID लगी हुई है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूंगा तब ये लॉगिन होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है सेटअप क्विक एक्सेस पिन का। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हम इसे सेट कर लेंगे तो इसमें हमें 4 नंबर का एक पिन डालना पड़ता है। तो जब भी आप अपनी इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको वो पिन डालनी है और लॉगिन करना है। तो दोस्तों इस पिन को सेट कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें पिन बनाने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें अपनी कस्टमर आईडी डालनी है। दोस्तों कस्टमर आईडी आपके पासवर्ड पर लिखी होती है, तो दोस्तों आप उसमें से देख के यहाँ पर डाल सकते हो। दूसरा दोस्तों आपका मोबाइल नंबर, आपको इसमें वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अपने अकाउंट में रजिस्टर करवाया था, जिस नंबर से आपने अपना अकाउंट बनाया था वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। दोस्तों उसके बाद आता है OTP आपको दोस्तों जब आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डाले कंटिन्यू करोगे तो उस पर एक OTP आएगा, तो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों आपको अपना डेबिट कार्ड का डिटेल डालना है, और दोस्तों 14 नंबर है आपको अपना पिन जो बनाना है वो पिन आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल में स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मुझे कस्टमर आईडी डालनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी डालता हूँ, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी कस्टमर आईडी डाल दी है और अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। अब मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आने वाला है, वो OTP मुझे यहाँ पर अपना यहाँ पर डालना है। तो देखिए दोस्तों OTP यहाँ पे अपने आप सेट हो चुका है, क्योंकि जो OTP दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर आया था वो मोबाइल नंबर मेरे इसी फोन में लगा हुआ था, तो OTP दोस्तों अपने आप यहाँ पे सेट हो चुका है। अब दोस्तों फिर से मुझे कंटिन्यू करना है। अब देखिए दोस्तों, जो मेरा डेबिट कार्ड है वो भी उसने ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पे आईडी बनी हुई है इस एप्लीकेशन पे,
अब मुझे दोस्तों यहाँ पे मुझे अपनी एटीएम का पिन डालना है। जो मेरा पिन है दोस्तों वो पिन यहाँ पे डालना है, एटीएम पिन जो होता है उसके नीचे दोस्तों मुझे यहाँ पे एक्सपायरी मंथ डालना है और एक्सपायरी डेट डालनी है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे तीनों से डाल के कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पिन डाल दिया है, एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी ईयर डाल दिया। अब मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना जो 4 नंबर का पिन होता है वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पे न्यू 4 डिजिट पिन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जो आप पिन डालोगे वही पिन आपको नीचे कन्फर्मेड भी डालना है। यानी कि दोस्तों दोनों जगह पर आपको सेम पिन डालना है जो आप अपना पिन बनाना चाहते हो, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर अपना पिन बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर अपनी पिन डाल दी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, इनेबल फिंगरप्रिंट। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर पिन डालकर कंटिन्यू कर दोगे तो जब आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे, ओपन करोगे, तो दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन आया करेंगे। एक आया करेगा पिन डालने का, दूसरा आया करेगा फिंगरप्रिंट वाला, यानी कि आप अपनी फिंगर से भी इसे ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ओपन पहले यहाँ पर कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए आपको दिख रहा होगा कि मेरा एम पिन जो है सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। दोस्तों जो मेरा पिन मैंने अभी बनाया था वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस अब हमारी एप्लीकेशन पे आएगा। तो दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले यहाँ पर हमारा पासवर्ड मांग रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर अपना पिन सेलेक्ट कर लिया है, पिन बना लिया है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट का और एम पिन का। चलिए मैं आपको यहाँ पर एम पिन डाल कर दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है हमारी एम पिन से ही। पहले दोस्तों मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ता था, लेकिन अब आप सिर्फ अपना यहाँ पे पिन डाल सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है आप सेम उसी तरीके से अपना एम पिन बना सकते हो अपनी HDFC बैंक की एप्लीकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन में अपनी एम पिन बना सकते हो अपनी मनपसंद का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।